देखिए दोस्तों, हर फिल्म मेकर की मेहनत को मद्देनजर रखते हुए मैं सिर्फ आपके लिए यानी कॉमन ऑडियंस के लिए रिव्यूज देता हूँ। अब फिल्में तो सभी अच्छी होती है, बस उसके पीछे काफी मेहनत और काफी सारा पैसा लगा होता है। अब इन वीडियोस में मैं सिर्फ अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन आपके सामने रखता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ आर्या और आप देख रहे हैं इग्नियस इंडिया। स्कूल वाले दिनों का प्यार सच्चा होता है या फिर कॉलेज वाले दिनों का प्यार? फिर क्या वही ट्रू लव होता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज मैं जिस मूवी को रेकमेंड करूंगा उसे देखकर मिल जाएंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ प्रेमम नाम की मलयालम मूवी की। शायद आप में से कई लोगों ने यह मूवी पहले देखी हो सकती है। तो अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। स्टोरी जॉर्ज नाम के किरदार की जर्नी है जो प्यार की तलाश में है। जब वो स्कूल में होता है तब उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, वही पहला प्यार जो हम दिल से महसूस करते हैं। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ तो काफी बड़ा कॉम्पिटिशन है। अब कैसे उस लड़की को इम्प्रेस किया जाए, उसके बाद क्या होगा, ये मैं आपको नहीं बता सकता, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। अब जॉर्ज स्कूल से कॉलेज में आ चुका है, उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी है और बोलने की स्टाइल बहुत अलग हो गई है। और यहाँ वो टकराते हैं मलर मैडम के प्यार में। फिर जॉर्ज और मलर में एक मैच्योरिटी वाला प्यार हमें देखने को मिलता है और कॉलेज डेज के सीन्स इतने अच्छे से डिजाइन किए गए हैं, आप इन दोनों के प्यार में पड़ जाओगे। खास करके साई पल्लवी, ऐश्वर्या राय बच्चन और माधुरी दीक्षित के बाद अगर कोई एक्सप्रेशन क्वीन होगी तो पक्का आप इस मूवी को देखने के बाद साई का ही नाम लोगे। अब इनका आगे क्या होगा ये भी आपको मूवी में पता चल जाएगा। अब जॉर्ज जो कि कॉलेज खत्म करके खुद की केक शॉप चला रहा होता है, अब ये इतने जिम्मेदारी वाले इंसान बन गए हैं ना कि ये बहुत शांत और अच्छे से रहने लगे हैं। अब यहाँ आता है मूवी का सबसे प्योर और बस बहुत जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा आपको एंड में। ये मूवी 3 घंटे की है और तेलुगु में रीमेक बनाई जा चुकी है। जाने दो यार, इस रीमेक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है जो कि हिंदी डब वर्जन है। बस इस मूवी का नाम बदल कर डैशिंग दिल जला रख दिया है। अब इन्हें ये डिक्शनरी कैसे मिलती है इस टाइप के हिंदी की, ये नहीं पता। देखिए दोनों मूवीज में सबसे बड़ा डिफरेंस है कास्टिंग का, क्योंकि तमिल वर्जन काफी रियल दिखता है, वही तेलुगु रीमेक करण जौहर की रीमेक के जैसी लगती है। बॉलीवुड की फिल्मों के जैसे फेमस नेम्स यूज करके इसका भी कचरा कर दिया गया है। नवीन पॉली और साई पल्लवी की शानदार एक्टिंग परफॉर्मेंस की वजह से जो कि उन्होंने प्रेमम में की है, ये फिल्म बहुत उभर कर आती है। शायद इसी वजह से मेरा मानना है कि ओरिजिनल ही होता है, प्लीज कोई कॉपी मत करो और नॉर्मल ऑडियंस के लिए प्लीज हिंदी में डब करके रिलीज करो। और आखिर में बताना चाहूंगा, मुझे साउथ मूवीज में सबसे ज्यादा पसंद आने वाली बात है इनके लोकेशंस और बैकग्राउंड म्यूजिक। काफी लो बजट में ये बहुत ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं। अब प्रेमम मलयालम लैंग्वेज में यूट्यूब और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे फ्री में मौजूद है। मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि ओरिजिनल मूवी देखना विद सबटाइटल, क्योंकि जब मैं सबटाइटल के साथ इस मूवी को देखता हूँ या किसी भी मूवी को देखता हूँ वो डायलॉग में खुद फील करके रीड करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा दिमाग पूरा वही कॉन्सेंट्रेट करता है। फिर भी तेलुगु मूवी की हिंदी डब नीचे लिंक में दे दूंगा और नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जल्दी से, ताकि मैं आपको और ऐसी मूवीज रेकमेंड कर सकूं।